चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में क्या करने जा रही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सही है ना? तो जब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बाकी प्रदेशों में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, देखिए आप जो भी बड़े वायदे करोगे, सबसे पहले आपको झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वो बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए वाला मिला आपको? काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात की थी, नोटबंदी। तो मैंने कहा वैसे झूठे वायदे कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात मैंने कही कि जो भी आप वायदे करोगे उनको सरकार बनते ही जल्दी से जल्दी पूरे कर देने चाहिए। मतलब वायदे में 2-3 साल 4 साल नहीं लगने चाहिए, सरकार के पहले कुछ ही दिनों में वायदा पूरा कर देना चाहिए। तो मैं आज आपको 4 वायदों के बारे में बताना चाहता हूं। और ये जो हमारे वायदे हैं इनमें 6-7 महीने नहीं लगेंगे। ये कैबिनेट, जब यहां कैबिनेट बैठेगी, कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट जब चुनाव के बाद बैठेगी, पहले दिन ये 4 निर्णय हम ले लेंगे, कोई डिले नहीं होने वाला है। और ये जो वायदे हैं ये अरबपतियों के लिए वायदे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी से वायदे किए, एयरपोर्ट देने के वायदे, पोर्ट्स देने के वायदे, ये वायदे अरबपतियों के वायदे नहीं। ये वायदे कर्नाटक के आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हैं। तो पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। तीसरा वायदा अन्नभाग्या, 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को।